हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग आज अपनी एक्सरसाइज 1.4 को रिवाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 में मैंने आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो फाइंड द वैल्यू, ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहीं पर इनके आंसर लिख देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर -24 है और यहाँ पर -12 है, और दोनों ही अगर नेगेटिव इंटीजर हैं और डिवाइड होगा, तो आपका नेगेटिव को नेगेटिव से जब डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है? पॉजिटिव आता है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बार करके दिखाता हूँ। माइनस के 24 हैं और माइनस के 12 है, तो माइनस से माइनस साइन कट गया, 12 बन जाए, 12 टू हो जाए, तो आंसर कितना आया आपका? 2 आएगा। तो इसमें हमें साइन का पहले डिसाइड कर लेना। ये भी नेगेटिव और नेगेटिव दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं और हम डिवाइड करते हैं, तो आपका साइन कौन सा रहेगा? पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव आ गया, और 24 और 12 डिवाइड करते हैं तो ये 12 टू जा, तो ये 2 आंसर आ जाएगा। इस तरह से ज़्यादा बड़ा इसमें ये नहीं था। अभी हमें ये करना है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर जब डिवाइड करते हैं तो हमें से आंसर आपका नेगेटिव आता है। तो 42 को 14 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 14 3 जा होते हैं ना, तो ये 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा बड़े नंबर नहीं है तो हम सीधे सीधे भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर ये कितना रहेगा आपका, ये थोड़ा सा एक बार करके देख लेते हैं। यहाँ पे प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस और माइनस जब डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर डिवाइड करते हैं, तो हमारा आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। नेगेटिव इंटीजर हमें साइन को पहले ही डिसाइड कर लेना है, तो ये नेगेटिव आ गया। अभी हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 और ये 2 4 5, 5 4 20, ये 4 आ गए और ये 5 आ गए, 5 9 40। ठीक है, तो ये कितने आ गए? 2 4 5 को डिवाइड किया तो 49 आ जाएंगे, ये आएगा आपके 49 आ गए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये जो है नेक्स्ट है, यहाँ पे देखा हमने, ये भी नेगेटिव इंटीजर है, ये भी नेगेटिव इंटीजर है, दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव को नेगेटिव डिवाइड करते हो तो साइन कौन सा आता है? प्लस का आता है। प्लस का साइन हम लगा भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, इसके ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसको लिखना, हम छोड़ भी सकते हैं इसको। तो अभी इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ से 9 और ये 1836 है, तो 9 2 18। अभी यहाँ से अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो 9 4 जो हम कर सकते थे, लेकिन क्योंकि पहले हम इस 3 को नीचे लेके आएंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा ना, तो यहाँ पे डिवाइड नहीं होने के लिए 0, फिर 6 को नीचे लेके आएंगे तो 9 4 36, तो ये 204 आ जाएगा आपका, 204। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते थे। डायरेक्ट करेंगे तो 9 1 9 2 और 9 4 कर सकते हैं, बीच में 0 आपका रह जाता है कई बार, तो इसको डिवाइड कर लेना। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको देख लेते हैं। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा हम आपका आंसर पॉजिटिव आते हैं। तो 19 1 19 2 19 3 19 3 होते हैं ना 19 57 होते हैं 19 57, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा इसका? 3 आ जाएगा। 19 की टेबल आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद ये है, 0 को 23 से डिवाइड किया गया है, तो ये आपका आंसर कितना रहेगा? 0 ही रहेगा। इसमें कुछ ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, तो क्योंकि जैसे 0/23 करते ना तो कितना आता है? 0 ही आता है ये, तो इसका 0 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम अपना नेक्स्ट देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ये इसको यहाँ पर क्या भरा जाए, तो क्योंकि यहाँ पर आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे पहले तो साइन आपका नेगेटिव ही रहेगा, साइन का डिसाइड कर दिया हमने, क्योंकि अभी किसी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो वो उतना ही आता है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्योंकि मुझे ये आंसर लाना है और 1 से डिवाइड करना, तो मुझे लिखना पड़ेगा 309। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ से, तो इन दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो साइन तो प्लस का आ गया, और 309 को 1 से भाग किया तो ये 309 ही आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आपका साइन माइनस का दे रखा है, यहाँ भी माइनस का दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, पॉजिटिव आएगा, तो कितने को 12 से डिवाइड करें कि 7 आ जाए, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उससे उल्टा काम कर लें तो 84 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? 84। ठीक है, 84 में अगर भर देता हूँ, 84 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 7 84 होते हैं ना, तो 7 आ जाएंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पर माइनस दे रखा है तो यहाँ पे प्लस दे रखा है, तो यहाँ जो नंबर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, तो नंबर तो नेगेटिव में आएगा। 55 को किससे डिवाइड करेंगे? 11 आ जाए, तो ये मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, 5 से डिवाइड करते हैं तो ये इतना आ जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे 0 आपका आ रहा है। ठीक है, तो
कितने को 35 यानी -35 से डिवाइड करेंगे, जीरो आया, तो आपका आंसर जीरो एक ही कंडीशन में आता है, जब जीरो यहाँ पे हो तब, तो ये आपका क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, अभी -8 दे रखा है, तो यहाँ पे प्लस का है, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो माइनस का आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो यहाँ पे नंबर आ जाता है, तो 7 8 56 होते हैं, तो ये 56 आ गए, ये आपका इस तरह से आ सकता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे माइनस का 1 है, तो यहाँ पे प्लस का है, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो माइनस का आएगा। ठीक है, और अगर दोनों नंबर सेम है तब 1 आता है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 3 2 7 करता हूँ, तो 3 2 7 और 3 2 7 डिवाइड करते हैं तब 1 आता है। और साइन का हमने देख लिया कि यहाँ पे नेगेटिव करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव दे रखे, इसको चेंज नहीं कर सकते थे, तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। इस तरह से हम अपने फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम अपना थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, तो इनको ट्रू और फॉल्स बताना है, ये कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है। तो यहाँ पे हम लोग तो देखते हैं, यहाँ से डिवाइड करते हैं, तो साइन तो आपका माइनस दे रखा है, और 15 6 चाहिए, तो क्या आएगा, ये ट्रू आ जाएगा, क्या आएगा, ट्रू। उसके बाद यहाँ से इसको मैं डिवाइड करता हूँ, दोनों एक जैसे नंबर हैं, तो क्या आएगा, ये भी सही है, ये भी ट्रू आएगा। इसके बाद 17 और 1 को डिवाइड किया जाता है, तो 17 आता है, यहाँ पे 1 नहीं आता है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, आपका फॉल्स आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे माइनस का नंबर, यहाँ पे प्लस का नंबर है, तो माइनस और प्लस को डिवाइड करते हैं, तो हमेशा माइनस का आएगा, और ये प्लस का आ रहा है नंबर। ठीक है, तो ये क्या आएगा, आपका फॉल्स आ जाएगा। अभी जीरो और डिवाइड बाई -15, तो कितना आना चाहिए, वो जीरो आना चाहिए, लेकिन ये 15 दे रखा है माइनस के, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। अब ये -13 और डिवाइड बाई -13, तो दोनों नंबर बिल्कुल एक जैसे हैं, तो आपका जो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो 1 आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, -1 दे रखा है, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम अपने ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अभी स्टूडेंट्स हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में हमें क्या करना है, रिवाइज एक्सरसाइज 1.4 इन रफ नोटबुक। आपको एक्सरसाइज 1.4 को रफ नोटबुक में बहुत ही अच्छी तरह से सोल्व कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।